व्हाट इज अप एवरीवन, मैं नमस्ते पापनी जाधव और आपका स्वागत है और एक रोमांचक वीडियो में। और आज की वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ROG फोन 5 वर्सेस Redmi K40 Pro, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन कॉलकॉम्स ने आप आएगा 888 जैसे दमदार चिपसेट के ऊपर रन करने वाले हैं, तो कंपैरिजन तो करना बनता है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा, उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार करते डिजाइन से, तो Redmi K40 Pro में आपको कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप होगा जिसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल का। अगर ROG फोन 5 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियर साइड में एक डिस्प्ले का पैनल देखने के लिए मिलता है जहाँ पे हमको नोटिफिकेशन आता है जब भी आपके फोन पे कॉल आता है। इसके साथ साथ इस फोन में हमको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसका प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे हमको Redmi K40 Pro में 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है और ROG फोन 5 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है, पर मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं रहता। ROG फोन 5 अगर सोनी का IMX का सेंसर देता है तो इसका परफॉर्मेंस 108 मेगापिक्सल के कैमरे से भी अल्टीमेट रहता है, तो यहाँ पे हम मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं रहते। अगर बात करते प्रोसेसर के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन में हमको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट देखने के लिए मिलता है, तो परफॉर्मेंस तो आपको एक ही देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो Redmi K40 Pro में हमको 30 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है और ROG फोन 5 में 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है, पर दोनों में उतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, तो दोनों का परफॉर्मेंस आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अब बात आते हैं सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको दोनों फोन में ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, उसके साथ साथ फेस अनलॉक सिस्टम मिलेगा। अब बात की जाए डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो Redmi K40 Pro में हमको 6.8 इंच का एक AMOLED वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि एक 120Hz वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले पैनल है। अगर ROG फोन 5 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी हमको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि 144Hz वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले पैनल है, तो यहाँ पे हमको ROG फोन 5 में अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अगर बात करते हैं इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो Redmi K40 Pro में हमको 5000 मिली एम्पायर की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिलती है जो कि एक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आती है, पर कितने वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर बात करते हैं ROG फोन 5 के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 6000 मिली एम्पायर की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी जो कि कितने वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आने वाले यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है, पर बैटरी के मामले में ROG फोन 5 की तरफ एक पॉइंट चला जाता है। अब बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में हमको टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट देखने के लिए मिलता है। अगर बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो Redmi K40 Pro में आपको कोई भी कूलिंग की सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलती, पर ROG फोन 5 में आपको कूलिंग की सिस्टम देखने के लिए मिलेगी। और आप जानते हो कि ROG फोन एक गेमिंग स्मार्टफोन है और Redmi K40 Pro को भी आप एक गेमिंग स्मार्टफोन मान सकते हो क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 जैसा दमदार चिपसेट दिया गया है। अब प्राइसिंग की बात आती है, तो Redmi K40 Pro का प्राइस होगा 32,000 से 34,000। अगर ROG फोन 5 की बात आती है तो ये स्मार्टफोन हमको 50,000 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आप प्राइसिंग के हिसाब से आप चुन सकते हो। अगर आपका बजट 35,000 के अंदर है तो आप Redmi K40 Pro की तरफ जा सकते हो, अगर आपका बजट 50,000 के ऊपर है तो आप ROG फोन 5 की तरफ जा सकते हो। दोनों स्मार्टफोन अपने जगह पे सही है, यहाँ पे आपको किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती दोनों स्मार्टफोन में। अगर आप बाय करना चाहते हो तो जरूर से बाय कीजिए। अब बात आती है लॉन्च डेट के बारे में, Redmi K40 Pro जो स्मार्टफोन है वो चाइना में 17 तारीख को ही लॉन्च होने वाला है और ROG फोन 5 जो है वो भी 17 तारीख को ही चाइना में लॉन्च होने वाला है। और इंडिया लॉन्च की बात आती है तो Redmi K40 Pro जो स्मार्टफोन है वो इंडियन मार्केट में मार्च के लास्ट क्वार्टर तक आएगा और ROG फोन 5 भी हमको लास्ट क्वार्टर तक ही देखने के लिए मिलेगा मार्च के। अगर आप वेट करना चाहते हो तो ज़रूर से वेट कीजिए क्योंकि बजट सेगमेंट में तगड़े तगड़े स्मार्टफोन देखने के लिए मिलते हैं, गेमिंग स्मार्टफोन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कोई गेमिंग स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो दोनों में से आप बाय कर सकते हो,
अपने प्राइसिंग के हिसाब से। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जेवर।